हम राजस्थान के पाली जिला से रहने वाले हैं। हम यहाँ पर मूर्ति बनाने का कार्य करते हैं, शिल्प कला जो है वो हम काम करते हैं। हम यहाँ 700 किलोमीटर दूर इससे आए हैं, यहाँ पर आकर यहीं बनाते हैं। 5-6 साल हो गए करीबन एक ही जगह बनाते हैं। पहले तो कहीं भी दूर, कहीं 6 महीने, कहीं 12 महीने, कहीं ऐसे बनाया करते थे। अभी एक ही जगह बना रहे हैं 4-5 साल से। झोपड़ी लगा के रहा करते थे तो उधर पुलिस वाले है, जैसे कोई भी प्रकार के परेशान करते थे, हटाओ। जैसे अभी रोड पे बैठे हैं तो भगा ले आ करते थे कोई, तो हम फिर दूसरी जगह चले जाते थे। हमें यहाँ पर किराया मिला है, कुछ दुकान वगैरह है, तो हम इनकी वजह से यहाँ पर अभी रुके हुए हैं। हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूर्ति का ही काम होता है, कला एक होती है जो हमें सबसे ज़्यादा उधर बनती है, तो उधर इतनी सेल नहीं होती है, इससे बेचना वगैरह खाने पीने में भी दिक्कत आती है, कमी होती नहीं बिल्कुल भी, बालकों को पढ़ाना भी होता है। जैसे हम POP की मूर्ति बनाते हैं, वो हर प्रकार की मूर्ति बनाते हैं लोगों के, जैसे 100 पीस भी बना लेते हैं, मूर्ति भी बना लेते हैं, भगवान जी की बना लेते हैं। जैसे पूजा का टाइम होता है, गणपति पूजा की मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा मैया की मूर्ति बनाते हैं। हमें दुर्गा मैया की मूर्ति सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। हमारे राठौर हैं हम हमारे भवानी नाम से जानते हैं हमें, अच्छा माता भवानी के नाम से, तो हम उन्हीं की पूजा करते हैं। हमारे पिताजी करते थे काम ही, अच्छा उन्हीं के साथ रहने लग गए, फिर यहीं रह रहे, तो उनके साथ में उठना बैठना चलता रहा और सीख गई धीरे धीरे। जी हाँ, शादी शुदा एक बालक हम थे, 4 साल का है, सुभाष नाम है। जैसे कि हमने अभी मार्च महीने में नवरात्रि के, हमने इसमें ढेर सारी मूर्तियाँ बनाई थी देवी मैया की, दुर्गा मैया की, तो फिर लॉकडाउन लग गया, उसमें मार्च में 3-4 दिन पहले ही लग गया था नवरात्रि के, तो वो सारा स्टॉक हमारा पड़ा रह गया। फूल बनाने के बाद जो मॉडल होता है मूर्ति बनाने का, उसके अंदर डालते हैं, वो जब सेट हो जाता है तो उसमें दूसरी बार फिर आधा घंटा 1 घंटे बाद फिर दोबारा वो फूल बनाते हैं, दोबारा वही डाल देते हैं। जैसे ही वो सेट हो जाता है 2-3 बार हम डाल देते हैं इसमें, जब सेट हो जाता है थोड़ा, तो उसे मॉडल से मूर्ति बाहर निकाल लेते हैं। वो निकालने के बाद 3-4 दिन जो भी उसे सुखाते हैं, सुखा कर अच्छी तरह से बढ़िया सूख जाती है 3-4 दिन बाद, तो उसकी रिपेयरिंग करते हैं। जब रिपेयरिंग हो जाती है तो उसके बाद डस्टिंग वगैरह, कलर है जैसे कि पेंटिंग वगैरह करते हैं, इसके बाद सेल करते हैं। से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। बहुत मुश्किल से काटे हमने, 3 जो भी काटे, 5-6 महीने जो भी काटे बहुत मुश्किल से काटे। खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी हमारे यहाँ कुछ, तो हम इधर इधर गांव में से किसी से मांग के ला कर खाया करते, और कुछ काम नहीं किया, खाली बैठे रहे, मूर्तियाँ भी नहीं बनाई कुछ नहीं। जब मना कर दिए, सब दुकानें वगैरह सब बंद करवा दिए, फिर कहाँ से बनाएंगे जी। काम बिल्कुल बंद हो गया था, काटनी पड़ी, कहीं जंगल में जाके कहीं गेहूँ काटना पड़ा, कहीं किसी के कुछ खेत में जाके काम करना पड़ा। बस सबसे ज़्यादा यही दिक्कत हो रही है, खाना पीने की व्यवस्था नहीं थी कुल मिलाकर, जब कुछ था ही नहीं था, जो 10-15 दिन घर में था वो खा लिया, उसके बाद बहुत दिक्कत होने लगी। जब राशन पानी भी नहीं था घर में, वो भी लाना, दुकानें भी बंद, इधर बाहर जाने का तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं था, बिल्कुल बंद था, करे क्या। इतने
कितने दिन तक मांगोगे दूसरे लोगों से? एक दिन दे देगा कोई, दो दिन दे देगा, चार दिन दे देगा, कब तक देगा देने वाला? प्रशासन से जब बात हुई एक बार तो उन्होंने कुछ राशन पानी ला के दिया था, एक हफ्ते का राशन पानी ला के दिया था, फिर वो दोबारा दिए नहीं। गांव जाने तो नहीं दिया, कोई गाड़ी थी नहीं, कुछ साधन था तो जाए कैसे? अभी यहाँ से पैदल जाना था तो पैदल कोई जा नहीं सकता, इतना सफ़र लंबा 700 किलोमीटर का सफ़र कोई तय नहीं होता पैदल। गुस्सा भी आता जब बनाते बेचते करते, जब नहीं होता कार पैसा नहीं आता करता तो फिर हम अपने आप में सोचते हैं कि हम इतना करने के बावजूद भी हम यही कहीं हैं, हम वैसे के वैसे भूखे मर रहे हैं, वैसे के वैसे कर रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं निकले, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है? गुस्सा तो होता ही है उनमें, जब वो होता ही नहीं आगे कुछ काम नहीं होता तो गुस्सा होना ही होता है जी। एक बार गए थे गांव में लॉकडाउन में जब, तो उन्होंने मना कर दी थी हमसे, क्या कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं था। हम बहुत उदास हुए, हमें वैसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, हमारे बालक कैसे पलेंगे, कैसे होएगा, हम कैसे शाम को रोटी खाएंगे। हमने 6-7 दिन 5 दिन 6 दिन भूखे भी रहे हम लॉकडाउन में, खाना भी नहीं मिला 4-7 दिन। जब 2-3 दिन बच्चे भी भूखा रहा करे हमारे, तो कोई सामान दे के जाया करता था तो ऐसे डर लगा हुआ रहता था कि कहीं इस सामान में किसी का हाथ लगा हुआ ना ये हो, कहीं बीमारी ना हो जाए, कि बालक बच्चों को कुछ ना हो जाए हमारे। हाँ, तो लॉकडाउन के बाद ने बाद हमने अपनी मूर्तियों के दाम और भी कम कर दिए थे वैसे, ताकि हमारी सेल निकल जाए थोड़ी बहुत जो भी हो। हमें 10 रुपये कमा रहे उसमें, हमें सोचे कि हम 5 रुपये भी बचा लेंगे तो चलो हमारा खर्चा चलाएंगे इससे, पर रेट घटने के बाद भी सेल नहीं होती है मूर्तियों की। हाँ, बच्चे को 2 महीने बाद मिलने से खुशी तो हो ही है। खुशी हो ही ना, क्यों ना हो जी, हम तो भूल गए वो परेशानी, हम जब हमारा बच्चा भी मिल गया हम तो वापस खुश हो गए। ये कोई बात नहीं, चलो हमारे परिवार तो मिल गए। हम तो चलो काम करके कमा के खाने वाले लोग में से, और जो कुछ लोग ऐसे जो रोड पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, कहीं पर भी देख लो जहाँ पर जहाँ जगह जगह बस स्टॉप पे है, रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही पड़े रहते, पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा, वो क्या उन्होंने क्या खाया होगा इसमें। एक पुतला ही तो है भगवान का बनाया हुआ, हम एक पुतला की तरह है, और हम जो पुतले बनाते हैं लोग कहते हैं तुम भगवान को बेच रहे हो बेच रहे हो, हमारे पुतले बनाए हुए इस धरती पे क्या नहीं कर रहे हैं, वो उनकी जगह सही है। हम बना कर जो पुतले बेच रहे दुनिया लोग आज उन्हें पूजती है करती है, अपना धर्म निभा रही है उनसे, और ये कि ये जो भगवान के बनाए हुए हमें जब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं।